हेलो एवरीवन सो लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि हम एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है वो एक्चुअली फाइंड आउट क्यों करते हैं उसका क्या पर्पस क्या है या वो हमें कोड में किस तरीके से जो हेल्प कर रहा है सो so बेसिकली अगर आपने रॉ डाटा ओपन करे फॉर एग्जांपल हमारा जो रॉ डाटा है वो डाटा के नेम से मैंने रीनेम किया था यहाँ पे सो so, इसमें बेसिकली अभी आपके जस्ट हम इसको जो है वो यहाँ पे रीनेम करके फॉर एग्जाम्पल डाटा के नेम से इसको हम इम्पोर्ट करते हैं सी so हमारा जो रॉ डाटा है वो किस फॉर्म में है ओके ओके okay. okay, अगर आप अपना रॉ डाटा देखें फॉर एग्जाम्पल वो स्टार्ट जो हो रहा है वो माइनस हंड्रेड एंड फोर्टी एट से हो रहा है आपकी जो रो नंबर है प्लस सी एग्जांपल हमने यहाँ पे ट्रेशन फाइन की थी सो so बेसिकली अगर आप अपना रॉ डाटा देखें जो रो है वो माइनस हंड्रेड एंड फोर्टी एट से स्टार्ट हो रहा है वो एंड हो रहा है थ्री थाउजेंड समथिंग वन एट तक यहाँ तक जो है वो एंड हो रहा है और आप इसके साथ एक तो ये चीज होती है और साथ में अगर आप देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये जो आप नंबर देख रहे हैं तो पे पे साइड वो नंबर होते हैं और इस तरह से और ये कंटिन्यू होते होते जब भी आपका लास्ट सेल नंबर होगा वो टू थाउजेंड एंड एटीन समथिंग टू थाउजेंड एटी वन सॉरी टू थाउजेंड एटी वन है सो so, अब जब आपके रॉड अटेस्ट में अभी यहाँ पे ये यह दो चीजें हमें अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे जरूरत है ये जो है ये बेसिकली वैल्यू है जो कि रॉमन इंस्ट्रूमेंट uh, ने रिकॉर्ड की है तो ये एक्चुअली डिपेक्ट करती है आपके वेव नंबर को और जो साइड साइड पे पे आप लोग MATLAB के इस ये देख रहे हो ये बेसिकली सेल नंबर है बिकॉज जितना uh, भी यहाँ पे मैट्रिक्स में डाटा आपका रिकॉर्ड है इन हर एक आप सेल कहते हो फॉर एग्जाम्पल ये सेल नंबर टू है सेल नंबर थ्री है सेल नंबर फोर है या रो नंबर थ्री या कॉलम नंबर फोर आप इस तरह से कह सकते हो तो ये रो नंबर है या सेल नंबर है आप इसको रो नंबर भी बोल सकते हो अब होता ये है लाइक like, अगर हमें मैटलैब में कुछ उसको बताना है कि हमें लाइक like, इतना डाटा यहाँ से यहां तक चाहिए तो हम मोस्टली जो है वो रो नंबर का यूज करते हैं बिकॉज हमें वैल्यूज एग्जैक्ट खुद नहीं होती हैं

जिसमें कि टू डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है और वो है भी कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस तो ये जो डिफरेंस भी इनमें जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट ने रिकॉर्ड किया है बीच में जो डिफरेंस है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है लाइक अगला जो होगा वो माइनस हंड्रेड एंड फोर्टी है थ्री का आ गया फिर माइनस हंड्रेड एंड थर्टी सेवन है लाइक जो भी इसमें डिफरेंस है और वैसे भी उसके आगे भी अगर आप देखें तो माइनस हंड्रेड एंड फोर्टी एट पॉइंट समथिंग में है तो अगर आपनेट एक डिफरेंस फाइंड आउट करना हो कि थ्री पॉइंट कितना डिफरेंस है दो सेल्स में तो वो आपको नहीं पता तो इसका मतलब है कि जितने भी ये टू थाउजेंड एंड एटी वन सेल नंबर हैं टू थाउजेंड एंड एटी वन रोज चलो कह लेते हैं कि 2081 rows है, उनमें आपको नहीं पता कि किस रो में एग्जैक्ट इस टाइम पे वेव नंबर की क्या वैल्यू है सो so, हमारे लिए बेटर क्या है मेटलाइ में जब हम काम कर रहे हो कि हम रो नंबर को इंडिकेट कर दें तो उससे हमें ज्यादा बेटर पता चल जाएगा तो इससे अब अभी आपको समझ आ जाएगी कि हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो क्यों फाइंड आउट किया था अब अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैंने डब्ल्यू एसू हम जो इट्स लाइक like हम जो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे टू हंड्रेड एंड एटीन हंड्रेड वो बेसिकली हम इस वैल्यू में से करवाना चाह रहे थे माइनस हंड्रेड फोर्टी एट या हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव तो हम बेसिकली वेव नंबर की वो वैल्यू चाह रहे थे सेल नंबर नहीं चाह रहे सो so, uh, So basically, ये इस कैटेगरी में जो है वो हमारा आ गया कि हम डब्ल्यू एस डब्ल्यू की वैल्यू इसमें वैल, इस से चाह रहे हैं सो so, अब आप में से एग्जैक्ट बिना लाइक रॉ डाटा को ओपन किए हुए ये जैसे हम इसको सिंपली एक बहुत सिंपल तरीके से प्रोसेस कर लेते हैं किसी को भी नहीं पता कि टू हंड्रेड का जो वेव नंबर की वैल्यू इस टाइम को तो वो किस रो में जो है वो पड़ी हुई है ना हमें पता है कि एटीन हंड्रेड वाली जो है वो किसमें पड़ी हुई है लाइक कौन से वाले उसमें लाइक अगर हम इसको अगेन ओपन करके देखें डाटा को हम अभी डाउन करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें अगर आप देखें तो सेल नंबर वन थर्टी वन जो है लाइक जो रो है आपकी वन थर्टी वन उसके अंदर आपका जो है वो हंड्रेड नाइनटी नाइन पॉइंट एट सिक्स फाइव वन जो कि नियर नियर टू टू हंड्रेड ही है तो एक्चुअली आपका नंबर उसमें पड़ा है तो ये चीज ना आपको पता थी ना मुझे पता थी सो so बेसिकली जब हम उसको या e की जो हमें, चाहिए, हमें उसे अपने में से कैसे करना है उस वजह से हम एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है उसको फाइंड आउट करते हैं सो so, और वो होता कैसे है, वो हम इसको दोबारा एक दफा फिर से देख लेते हैं तो एब्सोल्यूट डिफरेंस का यहाँ पे ये पर्पज ये हो गया तो जैसे ये लिखा हुआ है इसका मतलब होगा कि एब्सोल्यूट So, इसका ये मतलब है बिकॉज हमारा जो वेव नंबर है वो माइनस में भी रिकॉर्ड हुआ है जो पीछे की तरफ है और पॉजिटिव में भी हुआ है तो हम एब्सोल्यूट डिफरेंस का ये हुआ कि साइन के बगैर आप देखें कि जो भी डब्ल्यू एस में और एक्स की वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है उसमें यानी साइन को इंडिकेट कंसिडर uh, ना किए जाए फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपके एक्स की वैल्यू इस टाइम पे क्या थी लाइक like, एक्स की वैल्यू जो है वो उस टाइम पे आपकी है कि वेव नंबर में से कॉलम ऑफ फर्स्ट रो लाइक like आई था अगर फर्स्ट उस टाइम पे तो फर्स्ट हो जाएगा लाइक like एक्टिव एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है तो लाइक अगर वो आपके माइनस हंड्रेड एंड फोर्टी एट डब्ल्यू जो है वो उस टाइम पे आपका टू हंड्रेड है और सेल नंबर वन में आपकी उस टाइम पे वैल्यू क्या है माइनस हंड्रेड एंड फोर्टी एट है तो जब इसको माइनस करेगा तो इस माइनस को लाइक टू 148 तो यो इस माइनस को कंसीडर नहीं करेगा अदरवाइज वो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएंगे तो वो डिफरेंस की बजाय अप होना शुरू हो जाएंगे हम उसको बोल रहे हैं कि इस साइन को वो कंसीडर ना करे जो इनके साथ है माइनस 148 145 या कुछ भी तो उस टाइम पे वो सिंपली ये करे कि 200 में से एक्स की वैल्यूज को माइनस करता जाए लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि एक्स की वैल्यूज वेरी कर रही है लाइक एक्स की वैल्यू उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखें तो एक्स की वैल्यू ये है कि वेव नंबर में से बिकॉज uh, हमने यहाँ पे इट्रेशन का काम किया था तो इट्रेशन में ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम uh, ही कंसिडर होगा लेकिन आई थ्रो का मतलब कि वो सारी रोज को कंसिडर करेगा वन बाय वन हर इटरेशन में तो फर्स्ट इटरेशन में वो इस वैल्यू को कंसिडर करेगा जो फर्स्ट वाली है देन सेकेंड में थर्ड में फोर्थ में तो इट मीन्स कि जो हमने उसको इनिशियल वेव नंबर दिया है विच इज टू उसमें से वो इस वेव नंबर की हर वैल्यू को माइनस करेगा लाइक like, और यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस इसलिए हमने किया ताकि वो उसके साइन को कंसीडर ना करे अदरवाइज जो जहां पे माइनस साइन है वहां पे वो एडअप करना शुरू कर देगा और अब आप देखें तो इसके किस तरह से हमें ये एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है अगर आप देखें तो हमने उसको क्या बोला है कि टू में से जब एक्स की वैल्यू आप माइनस करें तो डिफरेंस शुड बी लेस देन वन पॉइंट यानी कि टू के आसपास ही जो वैल्यू होगी वहां से आप रेंज को एक्सट्रैक्ट कर दें For example, अगर वो 200 में से माइनस करेगा, तो ये 200 के आसपास का डिजिट नहीं है, आप तो लास्ट uh, वाला लेक्चर जाके भी प्रीवियस वीडियो में से देखें तो हंड्रेड एंड थर्टी वन वाला सेल को वो कंसिडर कर रहा था बिकॉज उसके अंदर वैल्यू क्या है अगर आप वहां पे अटेंशन uh,

जो वैल्यू माइनस uh, करें और आपका डिफरेंस लेस देन वन आएगा तो ऑब्वियसली वो वही वैल्यू होगी जो टू हंड्रेड की क्लोज होगी या तो वो टू हंड्रेड में से आप टू जीरो होंगे या फिर में से समथिंग यानी उसके बहुत जो क्लोज वैल्यू होगी उसी का डिफरेंस जो है वो लेस देन वन आएगा अदरवाइज जो वैल्यूज या तो फिर इसके बहुत पीछे हंड्रेड एंड फिफ्टी हो जाएंगी या टू हंड्रेड एंड फिफ्टी हो जाएंगी उनका तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा तो वो उनको यहाँ पे वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं होंगी तो ये इस वजह से यहाँ पे ये चीज दी गई है का जो डिफरेंस है उसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर तो वजह से दिया है इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहा तो है जो इंस्ट्रूमेंट है वो हंड्रेड नाइन पॉइंट एट सिक्स फाइव तक जो है रिकॉर्ड करता है तो हमने उतना ही डिफरेंस दिया ताकि वो एग्जैक्ट इसी वैल्यू को उठाए हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन वाली को तो ये बेसिकली हमारा एक वे ही है टू हंड्रेड को एक्सट्रैक्ट करने का सो so, यहाँ पे एक्चुअली फिर हम मैटला में उसका सेल नंबर या रो नंबर को कंसीडर कर रहे हैं हंड्रेड एंड थर्टी वन फॉर एग्जाम्पल हम मैटला को जब भी नेक्स्ट टाइम बोलेंगे कि रो नंबर से आप चूज चूज करके जो हमने दूसरी की थी, 909. तो वो जब रो नंबर वन थर्टी वन से रो नंबर नाइन जीरो नाइन तक हमें एक्सट्रैक्ट करेगा सो so, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे दो चीजें होती है तो रो नंबर है और आगे आपकी गिवन वैल्यू है तो रो नंबर हंड्रेड फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे सो रो नंबर 131 से लेके रो नंबर जो आपकी 909 है सो so बेसिकली उसमें जो डाटा होगा वो आपका यहाँ पे 199 है और यहाँ पे भी कुछ समथिंग क्लोज टू 1800 ही होगा सो बेसिकली जो हमने पहले जो डब्ल्यूएस और डब्ल्यूई में चीज की थी वो हमने अ वेव नंबर को एक्सट्रैक्ट किया था बट हमने उसके बाद अपने एब्सोल्यूट वैल्यू से उसी के जो रिलेवेंट सेल नंबर्स हैं या रो नंबर है उनको एक्सट्रैक्ट किया है क्योंकि वो कंसिस्टेंट आ रहे हैं और ये कंसिस्टेंट नहीं है तो इस तरह से हमारे लिए easy है इनके साथ काम करना। अब so, अब अगर अगर अगला भी भी देखें देखें अपना absolute difference, अब अगर आप देखें, because हमने हमने वाले में value भी change कर दिया था, हमने इसको बोल दिया बोल वो फाइंड आउट करे फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी तो वो डब्ल्यू माइनस अब कर दे तो एक्स की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बोला कि हर iteration में वो अगर वो दो टू थाउजेंड एंड एटी वन आपके पास रोज हैं तो इसका मतलब आपके पास इतनी ही इट होंगी और वो, वो टू थाउजेंड में से एक्स माइनस करेगा और जो भी वैल्यू आपकी लेस देन यानी बहुत क्लोज के होगी उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा अब अगर आप देखें तो डब्ल्यू आपकी क्या है एटीन हंड्रेड है और इसमें से अगर आप एक्स माइनस करें तो कौन सी वैल्यू जो है वो लेस देन वन आएगी सो इट्स वेरी एविडेंट के जो वैल्यू एटीन हंड्रेड के आसपास होगी उसी का डिफरेंस एक्स में से अगर एक्स की वैल्यू 1800 के बहुत क्लोज होगी यानी कि लेस देन वन की डिफरेंस होगी तो उसी वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल अगर अब अभी हम देखें हमारा 909 वाला जो सेल नंबर था ओके इफ यू कैन सी ऑन स्क्रीन अब अगर आप देखें मैं इसको थोड़ा वन सेकेंड ओके जीरो नाइन में अगर आप देखें सो नाइन जीरो नाइन में उन्होंने किस तरह से ये लिखी हुई चीज सो सेल नंबर नाइन जीरो नाइन जो है उसके अंदर जो वैल्यू है इट्स वन पॉइंट सेवन नाइन नाइन एंड समथिंग और फिर ई प्लस थ्री प्लस जीरो थ्री या थ्री जो भी है

चूज आर वेव नंबर क्योंकि जो आप तो तो कि आपके मिस्टेक होने के यहाँ पे, है. Uh, अगर आप अभी पे देखें तो सिंपली भी चीज इंडिकेट करनी तो आप रो नंबर या कॉलम नंबर से ही इंडिकेट करेंगे जैसे कि मैंने आपको बोला था हर मैट्रिक्स में अगर आप यहाँ पे देखें अगर वो टू थाउजेंड एटी वन इंटू फिफ्टीन या कुछ भी लिखा हुआ तो इसका सिंपली मतलब रो और इसका सिंपली मतलब है कॉलम आप कभी भी वैल्यूज के अंदर के इंटेंसिटी की कितनी वैल्यू है नंबर्स में आप लोगों ने कभी वो देखी भी नहीं होगी बिकॉज आप लोग उसके साथ डील नहीं करते हाँ हम लोग डील करते हैं रो नंबर के साथ और कॉलम नंबर के साथ जो कि अगर आप देखें कि डाटा सारा इनसाइड है जिसका हमें पता भी नहीं होता कि इस कॉलम में क्या डाटा है जो कि डिजिट्स में न्यूमेरिक डाटा है ना हमें वो याद होता है हम डील करते हैं ओनली ये जो ऊपर लिखे हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कॉलम के नंबर्स एंड रोज के नंबर्स के साथ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे टू हंड्रेड करवा दूँ तो अगर आप देखें यहाँ पे टू हंड्रेड आपका सेल नंबर है वो वो इसको वो रो ही करेगा वो 200 वाली रो अगर, रो या 1800 करे, तो अगर आप देखें तो टू हंड्रेड में क्या वैल्यू है इस टाइम पे थ्री सेवनटी सेवन वेव नंबर की वैल्यू आ रही है और इसी तरह से अगर आप एटीन हंड्रेड की तरफ चले जाए लेट मीन जस्ट स्क्रोल डाउन ओके अगर आप यहाँ पे अभी देखें तो आपके एटीन हंड्रेड की जो वैल्यू है वो आ रही है टू थाउजेंड नाइन थ्री फाइव समथिंग तो ये आपकी वैल्यू रेंज नहीं है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सो so बेसिकली आगे पीछे तो हम रो नंबर या वेव नंबर के साथ सॉरी कॉलम नंबर्स के साथ डील कर लेते हैं लेकिन आपको जो वेव नंबर की टू से एटीन वैल्यू है वो एक्चुअली अंदर का जो डाटा है उसकी वैल्यू है तो हमें भी देखना होता है कि वो टू हंड्रेड किस में से जो भी अंदर आपके हमने इट्रेशन इसीलिए किए ताकि वो जितने भी टू थाउजेंड एंड आपके रोज थी उतनी नंबर ऑफ इट्रेशन वो परफॉर्म करे मेटलर और वो यू करे की डब्ल्यू एस की वैल्यू को हर वैल्यू में से माइनस करे और जो वैल्यू उसके डिफरेंस जो है उन दोनों में सिर्फ लेस देन वन का आ रहा हो जो कि वेरी क्लोज टू टू होगी टू हंड्रेड होगी वो उस सेल नंबर को एक्सट्रैक्ट करें जो कि आपकी इधर साइड पे रो थी जो कि वन थर्टी वन बन रही थी जिसमें हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन वाला वेव नंबर जो था वो वो था वो वो नंबर हमको बताया और दूसरा और फिर अगेन वो सारी इट्रेशंस अगेन 281 टाइम्स परफॉर्म करें और इस टाइम वो जो आपका एंडिंग वेव नंबर है जो कि 1800 है उसमें से हर वैल्यू को माइनस करें और जो उसके वेरी क्लोज हो जहां पे लेस देन वन का डिफरेंस आ रहा है, जो कि 1799 है उसके रेलिवेंट जो भी सेल नंबर या रो नंबर था जो कि 909 आ रहा था उसको उसको हमें बताया। तो इस तरह से हमने एक एक्सट्रैक्ट की कि कि हमेंटी जो नाइन जीरो हम डब्ल्यू आई -E या डब्ल्यू एस आई बोल रहे थे कि इस रेंज में जितने भी हमारी रोज है उनका डाटा एक्सट्रैक्ट कर ले तो जब वो इनका डाटा इन रोज का डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा तो वो सिंपल सी बात है कि वो 200 से 1800 जो भी आपकी नंबर है उसी का डाटा इस टाइम पे एक्सट्रैक्ट कर रहा सो माइनस या प्लस के साइंस को कंसिडर ना करे और हमें जो भी एक क्लोज वैल्यू है हमारी रेंज के जिसमें के हम इंटरेस्टेड हैं उसका हमको दे लाइक इंफॉर्मेशन like, हमें एक्सट्रैक्ट करके दे तभी आपको समझ आ गई होगी कि के जो रेलीवेंट रो नंबर हैं और उनके अंदर जो एक्चुअल हमारा न्यूमेरिक डाटा है तो वो दो अलग अलग चीजें हैं और मतलब हमें लाइक like समटाइम्स जो है वो सिर्फ रो नंबर्स के साथ डील करना होता है तो ये थोड़ा उसमें इस वजह से हम लोग करते हैं